जनपद मुजफ्फरनगर में आज हजारों की संख्या में राम भक्त आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या श्री राम लल्ला के दर्शन करने के लिए रवाना हुए, जिस ट्रेन को आज मंत्री संजीव बलियान, यूपी सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर आस्था ट्रेन को अयोध्या के लिए मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन से रवाना किया। मेरा नाम अमित चौधरी है। अमित जी, आज रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, क्या मामला है? आज श्री राम जी के दर्शन के लिए हम सब लोग अयोध्या जा रहे हैं और एक ट्रेन यहाँ मुजफ्फरनगर से बन करके चली है, जिसमें मुजफ्फरनगर के सभी श्रद्धालु अयोध्या ही जा रहे हैं। रामलला ने हम लोगों को बुलाया है तो हमारा सौभाग्य है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर के जा रहे हैं। आप लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था की हुई है सरकार ने? सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोगों के लिए की है, हर तरीके से सुविधा है, बैठने की सुविधा है, बाकी बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये ऐसा लग रहा है जैसे श्री राम जी ने हमको बुलाया है, हमारा सौभाग्य, हम सब लोग जा रहे हैं। जय श्री राम। जय। आज आस्था ट्रेन अयोध्या में जा रही है। सौभाग्य का दिन है कि मुजफ्फर जनपद की हमारे श्री राम भक्त आज यहाँ से स्पेशल ट्रेन से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, समाज के लोग, समाज के सब प्रकार के लोग, बहने, नौजवान, बुजुर्ग, सब लोग बड़े पसंद है। आप देख रहे हैं स्टेशन पर है, अभी ट्रेन यहाँ से रवाना होने वाली है। ट्रेन को डॉक्टर संजीव बलियान जी, हम, हमारे जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह जी सब मिलकर के इस ट्रेन को यहाँ से रवाना कर रहे हैं। हजारों की संख्या में सब राम भक्त अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या में जाएंगे, भगवान श्री राम की जो शानदार प्रतिष्ठा हुई है, भगवान राम का दिव्य नव्य और भव्य, तो बहुत सुंदर मंदिर स्थापना वहाँ पर हुई है, प्रतिष्ठा हुई है, पूरा देश उसको लेकर उत्साहित है। उसी रूप में मुजफ्फरनगर भी बहुत उत्साहित है और मुजफ्फरनगर में विशेष बात यह है कि मुजफ्फरनगर से ही भगवान श्री राम की मुक्ति आंदोलन, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का शुभारंभ मुजफ्फरनगर से ही हुआ था जी। और मुजफ्फरनगर का बहुत बड़ा योगदान इस आंदोलन के अंदर है, तो हम सब लोग उत्साहित है, बहुत पसंद है। हजारों हमारे नौजवान साथी यहाँ पर भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे। किस तरह की व्यवस्था है मंदिर जी, है क्या कोई किराया लिया जा रहा है भक्तों से? कोई किराया नहीं लिया गया है, सारी व्यवस्था क्या करते हैं शुल्क किए गए दिया नहीं गया, जिसने जो इच्छा की ऐसा किया। ट्रेन की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, सब प्रभु राम श्री राम का। कितने हजार लोग आज जा रहे हैं? ढाई हजार लोग ट्रेन से वहाँ पहुँच रहे हैं और सारी व्यवस्था भगवान श्री राम की। अच्छा, ये केवल बीजेपी के लोग हैं, आम जनमान सब है? भैया देखो ना, बीजेपी के तो 250 पदाधिकारी होंगे, बाकी 2500 लोग तो आम लोग हैं भगवान राम। अरे बीजेपी के लोग तो राम भक्ति है जी। मंत्री जी कहेंगे 2024 के चुनाव को लेके तो नहीं है? तो चुनाव से मान भगवान राम हर समय है, सतत है, आज भी है, कल भी है, चुनाव नहीं था तब भी थे, चुनाव है तब भी है। भगवान राम की कृपा होगी, राम की कृपा होगी तो 2024 शानदार।